हेलो एवरीवन, आई एम शेखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन पढ़ा। नाउ हम आते हैं कॉन्जुगेशन पे। कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेशन से ऑलवेज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है CSIR में। तो कॉन्जुगेशन का हम स्मॉल इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि कॉन्जुगेशन मींस हमारे दो बैक्टीरिया के बिटवीन फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है और उस फिजिकल कॉन्टैक्ट के होने की वजह से DNA, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से सेकेंड बैक्टीरिया में आ रहा है। फर्स्ट बैक्टीरिया से सेकेंड बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब वो फिजिकल कॉन्टैक्ट किस वजह से होता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट हमारा सेक्स पिलस फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन बैक्टीरिया। अब ये सेक्स पिलस फॉर्मेशन कैसे होता है? ट्राजीन प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसफर जीन। ट्रांसफर जीन में हमारा मेटिंग पेयर फॉर्मेशन जीन एंड DNA ट्रांसफर जीन होता है। इन मेटिंग पेयर फॉर्मेशन जीन एंड DNA ट्रांसफर जीन, इनके थ्रू ही हमारा सेक्स प्लस फॉर्मेशन होता है। देन DNA ट्रांसफर होता है फ्रॉम फर्स्ट बैक्टीरिया टू सेकंड बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन, HFR एंड एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन, F- एंड एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन। फर्स्ट आता है एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन। इट मींस दो ऐसे बैक्टीरिया के बिटवीन फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड कॉन्जुगेशन हो रहा है जिनमें से एक बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एक में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव के बिटवीन। अब हमारी डोनर सेल कौन सी होगी? एफ पॉजिटिव होगी, बिकॉज उसके पास एफ प्लाज्मिड है एंड उसके पास ही हमारा मेटिंग पेयर फॉर्मेशन जीन्स एंड DNA ट्रांसफर जीन्स है। तो हमारा एफ प्लाज्मिड है। अब इससे हमारा एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाएगा रिसिपिएंट में, दैट इज एफ नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन। और जो हमारा एफ नेगेटिव सेल होंगी, अब उसके बाद भी हमारा क्या आ जाएगा? प्लाज्मिड आ जाएगा एफ प्लाज्मिड, और वो हमारी एफ पॉजिटिव सेल्स बन जाएंगी। इट मींस हमारी एफ नेगेटिव सेल्स में एंड एफ पॉजिटिव सेल्स में हमारा कॉन्जुगेशन होगा। ये हमारा मेन क्रोमोसोम है दोनों का। एफ पॉजिटिव सेल में हमारा एफ प्लाज्मिड था, एफ नेगेटिव सेल में नहीं था। अब हमारा कॉन्जुगेशन हुआ, देन रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के थ्रू हमारा प्लाज्मिड यहां चला गया, प्लाज्मिड रेप्लिकेट हो गया, प्लाज्मिड यहां पे आ गया एफ नेगेटिव सेल्स में। ये भी हमारी क्या बन गई? अब एफ पॉजिटिव सेल बन गई। ये हमारी एफ पॉजिटिव सेल बन गई। सो जब भी हमारा एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव के बिटवीन कॉन्जुगेशन होता है, एफ नेगेटिव सेल्स भी हमारी एफ पॉजिटिव सेल्स बन जाती हैं। सेकेंड होता है HFR एंड एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि HFR क्या होता है। HFR हमारे वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो जाता है मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, दैट इज HFR। तो इट मींस हमारा यहाँ पे डोनर कौन होगा? जिसके पास एफ प्लाज्मिड होगा। एफ प्लाज्मिड किसके पास है? HFR के पास। रिसेपियंट एफ नेगेटिव होगा। बट ये देखा गया, जब हमारा HFR एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के बिटवीन कॉन्जुगेशन होता है, तो अब वो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? बिकॉज इस बार हमारा बैक्टीरियल जीनोम में कॉन्जुगेट है एफ प्लाज्मिड। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम था इतना, इसमें हमारा कॉन्जुगेट है एफ प्लाज्मिड। इसका साइज इंक्रीज हो गया। इस पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को फुल कॉन्जुगेशन के थ्रू ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगेगा, अराउंड 100 मिनट्स लगेंगे। एंड ये प्रोसेस, कॉन्जुगेशन प्रोसेस, बहुत स्मॉल टाइम का होता है, इतने टाइम का नहीं होता। कोई भी दो बैक्टीरिया इतने टाइम तक कॉन्जुगेट नहीं रहते, इसलिए ये प्रोसेस बीच में इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ ही जीन ट्रांसफर हो पाते हैं एफ प्लाज्मिड के, और हमारा जो एफ नेगेटिव है वो एफ पॉजिटिव नहीं बन पाता। तो ये है हमारा HFR एंड एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन, जिसमें हमारा जीन ट्रांसफर नहीं हो पाता है, बिकॉज हमारा एफ प्लाज्मिड जो है वो इंटीग्रेट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में HFR में। HFR ने जैसे ही स्टार्ट किया तो उसको बहुत टाइम लग गया। ये हमारी HFR सेल थी। हमारी HFR सेल कॉन्जुगेट हुई हमारी किसके साथ? एफ नेगेटिव सेल के साथ। इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट था, साइज बड़ा था, तो वो ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगा रहा था। थर्ड आता है F- एंड एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन। F- मींस, F- कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिसमें HFR बना था, जिसमें हमारा इंटीग्रेट हुआ था, बट एक टाइम बाद वो एक्साइज आउट हो गया है, और एक्साइज आउट होने के बाद उसने कुछ जीनोम बैक्टीरिया के भी ले आया है, बट स्टिल एफ प्लाज्मिड अब इतना लॉन्ग नहीं है कि अब ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो हमारा एफ प्लाज्मिड इजिली ट्रांसफर हो जाएगा एफ नेगेटिव सेल में, और हमारी एफ नेगेटिव सेल एफ पॉजिटिव सेल बन जाएंगी, और हमारी एफ नेगेटिव सेल एफ पॉजिटिव सेल बन जाएंगी। इट मींस F- और एफ नेगेटिव का जो हमारा कॉन्जुगेशन होगा वो सेम होगा जैसे एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव का होता था। एट लास्ट हमारा F- एंड एफ पॉजिटिव सेल्स बन जाएंगी। ये सेल्स हमारी पॉजिटिव बन जाएंगी।
बस इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी आ जाएंगे, जो हमारे मेन क्रोमोसोम है वो भी आ जाएंगे, मेन जीन्स में आ जाएंगे। एंड अब तक हमारा एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव जो था, इसमें हमारा एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव ये कुछ सेम होते हैं, बट इनमें डिफरेंस ये होता है कि एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव में बैक्टीरियल मेन बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम था वो ट्रांसफर नहीं हुआ दूसरे सेल में, बट यहाँ पे हमारा जो मेन क्रोमोसोम इंटीग्रेट था और उसके बाद एक्साइज आउट हुआ तो कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम आ गया, वो भी ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से जो एफ पॉजिटिव सेल्स जो बनी है ये हमारी मीरोजाइगोट है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मीरोजाइगोट्स क्या होते हैं। मीरोजाइगोट्स वो होते हैं जो पार्शली डिप्लॉयड होते हैं, जिनमें अपना जीन भी होता है, किसी और बैक्टीरिया का भी वही सेम जीन प्रेजेंट होता है, चाहे वो डिफरेंट एलील हो। बिकॉज यहाँ से एफ डैश बैक्टीरिया से भी हमारे कुछ जीन आ गए हैं, एफ डैश बैक्टीरिया में जब प्लाज्मिड एक्साइज आउट हुआ था तो उसने कुछ बैक्टीरियल जीनोम को भी अपने अंदर इंटीग्रेट कर रखा था, और जिसकी वजह से वो आ गए हैं हमारे अब एफ नेगेटिव सेल में, जिसकी वजह से वो एफ पॉजिटिव सेल बन गई है, और ये हमारी मीरोजाइगोट सेल है। ओके, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है HFR एंड एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन, ये देखते हैं ये क्या होता है। HFR एंड एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज इसमें इंटरप्शन हो जाता है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं जीन के ऑर्डर की, क्या ऑर्डर है हमारा जीन का उसकी मैपिंग कर सकते हैं। इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट यूज होता है मैपिंग करने के लिए, बिकॉज इसमें इंटरप्ट हो रहा है कॉन्जुकेशन, मेटिंग इंटरप्ट हो रही है, जिसके थ्रू हम मैपिंग करेंगे, दैट इज इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट। ये हमारा जीनोम है जिसमें हमारा जो प्लाज्मिड है वो भी इंटीग्रेट है। अब जो ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरिया से सेकेंड बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ड्यूरिंग कॉन्जुकेशन, वो टू साइड से स्टार्ट हो सकता है, मोर देन टू साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं बैक्टीरिया में, टू साइड भी प्रेजेंट हो सकती है, ओनली वन साइड भी प्रेजेंट हो सकती है। तो इन साइड को बोलते हैं HFR, इन साइड्स को बोलते हैं HFR। सो एग्जांपल, इस बैक्टीरिया में दो साइड प्रेजेंट है ए बी, इन दो साइड के थ्रू रैंडमली इन दो साइड के थ्रू स्टार्ट हो सकता है रेप्लिकेशन, एंड ये फुल जीनोम सेकेंड बैक्टीरिया में जा सकता है। HFR A यूज हो, वहां से हमारा कट हो एंड देन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो, उसके 50% चांसेस हैं। HFR B यूज हो, वहां से कट होना स्टार्ट हो, उसके भी 50% चांसेस हैं। एंड इन दोनों साइड से भी टू डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, HFR 1 से भी टू डायरेक्शन में हो सकता है, HFR A से भी टू डायरेक्शन में हो सकता है, HFR B से भी टू डायरेक्शन में हो सकता है, कैसे वो देखते हैं। मान लीजिए HFR A पे कट हुआ, अब वो जो HFR A पे कट हो रहा है वो भी टू टाइप से कट हो सकता है। इस टाइप से कट हो कि 5' एंड इस साइड प्रेजेंट हो, 5' एंड इस साइड प्रेजेंट हो, तो हमारा कौन कौन से जीन ट्रांसफर होने स्टार्ट होंगे, फर्स्ट इस तरीके से जीन ट्रांसफर होने स्टार्ट होंगे, पहले 10th जीन होगा, फिर 9th, फिर 8th, फिर 7th। इस सीक्वेंस में जीन ट्रांसफर होने स्टार्ट होंगे। एंड माइट बी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कट जो हो इस साइड से हो कि 5' अब इस साइड प्रेजेंट हो, 5' एंड इस साइड प्रेजेंट होगा तो हमारे जीन ट्रांसफर होने कौन से स्टार्ट होंगे, पहले 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जीन ट्रांसफर होने स्टार्ट होंगे। तो HFR A से भी हमारा 10, 9, 8, 7 इस डायरेक्शन में जीन ट्रांसफर हो सकते हैं, और 1, 2, 3, 4 इस डायरेक्शन में जीन ट्रांसफर हो सकते हैं। अब मान लीजिए कट हुआ HFR B पे, वहां से भी हमारे टू डायरेक्शन पॉसिबल हैं। HFR B पे इस तरीके से कट हुआ कि हमारा जीन ट्रांसफर होने स्टार्ट हुए 7, 8, 9, 5' यहां था तो 5' से जीन ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ 7, 8, 9, 10। एंड इस तरीके से कट हुआ कि 5' अब इस साइड प्रेजेंट था तो हमारा जीन ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस डायरेक्शन में। ये हमारा रेंडमली होता है, कोई से भी डायरेक्शन में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो सकता है रेंडमली कट होने के बाद। अब क्या होता है, ये ट्रांसफर हो रहे होते हैं जीन, बीच में हमारा क्या होता है कॉन्जुकेशन इंटरप्ट हो जाती है। कॉन्जुकेशन इंटरप्ट होने की वजह से सिर्फ कुछ ही जीन ट्रांसफर हो पाते हैं। एग्जाम्पल,
यहाँ पे हमारा कट हुआ, 10th गया जी, 9th गया, 8th गया, 7th गया. अब यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट इंटरप्ट हो गया, कॉन्जुगेशन इंटरप्ट हो गया, कॉन्जुगेशन इंटरप्ट हो गया, तो हमारा यहाँ पे हमारा रुक गया जीन ट्रांसफर होना. इट मीन्स ये 4 जीन ही ट्रांसफर हो पाए बस. तो कौन कौन से जीन 10 के साथ कौन ट्रांसफर पहले हुआ, 9, 8, जो सबसे ज्यादा क्लोज जीन प्रेजेंट होते हैं वो साथ में ट्रांसफर होते हैं. So, इस बेसिस पे कि कौन कौन से जीन कॉम्बिनेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, इस बेसिस पे हम मैपिंग कर सकते हैं जीन्स की क्रोमोसोम पे. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं सीएसआईआर में, सबके क्वेश्चंस देखेंगे, इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.